तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का इजलास आज कई महीनों बाद मुनक्किद किया गया। नामबली हज हाउस में वक्फ बोर्ड दफ्तर में चेयरमैन मोहम्मद सलीम की निगरानी में मुनक्किदा इस इजलास में बोर्ड के दीगर अरकान और अमले ने शिरकत की। इस इजलास में 92 एजेंडे शामिल किए गए जबकि 22 कमेटियों की तश्कील दी गई। इस मौके पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा कि शाही मस्जिद बाग़े अम्मा के रेनोवेशन के काम बहुत जल्द शुरू कर दिए जाएंगे और वक्फ बोर्ड बिल्डिंग के अहाते में पुलिस चेक पोस्ट कायम किया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि औकाफी जायदादों पर नाजायज कब्जा करने वालों के खिलाफ वक्फ बोर्ड अमला और पुलिस कार्रवाई करेगी। 92 एजेंटास थे जिसमें 22 कमेटियां बनाए, मस्जिद कमेटी, ग्रेवयार्ड कमेटी वगैरह, 8 मुतवल्लीज बनाए जो डिस्ट्रिक्टों में वगैरह है, और 4 जो है कंस्ट्रक्शन परमिशन दिए बाउंड्री वॉल वगैरह गिरवी हट के, और एक आउट पुलिस स्टेशन डालेंगे या नीचे आउटपोस्ट रहेगा जिसमें एक डीएसपी भी है, एक इंस्पेक्टर है, एक सब इंस्पेक्टर है, 4 कांस्टेबल है, ये लोग रहेंगे, टास्क फोर्स टीम में रहेंगे ये लोग, ये रेजोल्यूशन पास करें। और पब्लिक गार्डन की मस्जिद जो हम इससे पहले वक्फ में परमिशन लिए थे वो गवर्नमेंट अप्रूव कर दी, परमिशन भी दे दी गवर्नमेंट बना सकते बोल के, तो उसको यहाँ से भी अप्रूव कर दिए, तो कल उसकी मीटिंग रखे हम लोग, गवर्नमेंट का जो है एजेंसी है उसको हम लोग डेवलपमेंट को दे रहे, तो कल शाही मस्जिद के हम सबको और वो आर्किटेक्ट जो बनाए थे उनको बुला के ये गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी बिठा के डेवलपमेंट पर जो है ना जो गवर्नमेंट रेट जैसा भी है उस तरीके से हम लोग ये करेंगे। तो वो मस्जिद को 1 करोड़ रुपए हम लोग वक्फ बोर्ड से इससे पहले रेजोल्यूशन लिए थे और आज भी जो है ना हम लोग उस पर कायम है, और भी पैसे लगेंगे मस्जिद तो हम लोग लगाने के लिए वक्फ बोर्ड तैयार है, और दरगाह यूसुफैन को भी डायरेक्ट मैनेजमेंट में लिए, और खादिल मुस्लिमीन अनिसुल गुरबा का तो अपने अंजुमन खादिल मुस्लिमीन वो भी डायरेक्ट मैनेजमेंट में लिए, फिर उसको तौलियत कमेटी को रिफर करके नेक्स्ट मीटिंग में उसको भी जो है कमेटी में किसको बनाना क्या है वो करेंगे। सिर्फ ख्वाबों से नहीं घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीस उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन शाहों के शहर हैदराबाद में, चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में, एबिट्स कोठी मलकपेट से सिर्फ 15 मिनट के फासले पर ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर्स की बिल्डिंग जहां 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स दस्तियाब हैं। जकियन एसोसिएट्स की जानिब से बेहतरीन स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का मायानाज स्ट्रक्चर, 24 आवर्स वाटर सप्लाई, पार्किंग फैसिलिटी, मस्जिद और प्लेग्राउंड के करीब GHMC अप्रूव्ड लोन और इंस्टॉलमेंट्स की सहूलत के साथ बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625।